क्या आपने मेडिवेल हाउस का इंटीरियर बना लिया? आपको याद होगा कि हमने माइनक्राफ्ट के अंदर एक मेडिवेल हाउस बनाया था जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये सिर्फ बाहर से सुंदर है, अंदर से है ना ये खाली सा डब्बा ही है। तो चलो इसको ना अंदर से डेकोरेट करना और इसका इंटीरियर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो घर के अंदर अगर आप आओगे तो आपको ना कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा, बिल्कुल खाली पड़ा और अजीब सा लग रहा है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं इसमें थोड़ी सी लाइटनिंग कर दूंगा, वरना आपको ना वीडियो के अंदर ना अच्छे से समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ी सी लाइटनिंग कर दी है। घर के अंदर जाते ही आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले हमको क्या चीज को इम्प्रूव करना है। हाँ, वो है इसका फ्लोर। नीचे यहाँ पे घास उग रखी है, तो यहाँ पे ना आपको इसका सारा फ्लोर डिग कर देना है और उसके बाद ना इसकी हम फ्लोरिंग करेंगे। मेडिवेल हाउस है, पुराने समय का है, तो यहाँ पे टाइलें तो लगेंगी नहीं, यहाँ पे लगेगी लकड़ी। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे प्लैंक्स का नहीं लॉग का यूज करेंगे, वो भी स्ट्रिप्ड वाली लॉग का। तो यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रिप्ड लॉग को ना कुछ ऐसे सीधा सीधा लगा रहा हूं। फिर आप इसकी जगह पता कौन सा वाला डिजाइन यूज कर सकते हो? आप ना ये चेस वाला डिजाइन यूज कर सकते हो, जिसमें आपके ना यहाँ पे लाइट वाली लॉग और साथ में डार्क वाली लॉग को ना ऐसे मिक्स कर करके लगाना है। और यहाँ पे देखो ये चेस वाला डिजाइन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। ये वाली भी यूज कर सकते हो, या फिर जो हम पहले वाले डिजाइन बना रहे थे ना, इसके अंदर भी आप ना ये दोनों शेड ना दोनों कलर को ऐसे आपस में मिक्स करके बना सकते हो। तो मैं ना दोनों को ना यहाँ पे मिक्स कर देता हूँ। हाफ साइड मैंने वो बनाया, हाफ साइड ये। अब इसका ना हमने ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर बनाना है। तो फर्स्ट फ्लोर ना हम स्टार्ट करेंगे ये बिल्कुल विंडो के यहाँ से। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फ्लोर पे भी ना आपने ये वुड का यूज करना है। तो यहाँ पे ना मैं कोई डिजाइन नहीं दे रहा, मैं ना यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मली जो है लॉग का यूज करूंगा। तो अब हम ना इस जो सी लैंटर्न है इसको तोड़ेंगे और यहाँ पे ना इसका ऊपर वाला फ्लोर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अब लग रहा है ना कि हम किसी घर के अंदर आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे एक फायर प्लेस हो, तो आप ना किसी भी साइड पे बना सकते हो। तो ना मैं यहाँ पे सीधा फ्रंट पे बनाऊंगा। तो आपको ना फायर प्लेस कुछ ऐसे ब्रिक से बनानी है, साइड पे थोड़ी सी स्टेयर लगानी है, यहाँ भी स्टेयर, यहाँ भी स्टेयर, और बीच में कैंप फायर लगा देनी है और आपकी जो फायर प्लेस है वो ऐसे बन जाएगी। फायर प्लेस को जैसे मर्जी बना सकते हो और इसको ना थोड़ा और डेकोरेट भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे फ्लावर पॉट लगा के। अब ना आपको ना इस घर में ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स तो चाहिए होगी, तो ना यहाँ पे साइड से हम स्टेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। उसमें भी आप ना कोई भी कलर की जो है लॉग का यूज कर सकते हो। तो ऐसे देखो साइड से ना सिर्फ एक लाइन स्टेयर की जा रही होगी। अब अगर आप इसको साइड से देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही है, हवा में स्टेयर क्यों उड़ रही है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे बैरल भर देंगे ताकि ना यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज भी बन जाए और देखने में भी अच्छा लगे। अब कोई नीचे ना गिर जाए इसलिए यहाँ पे ना ट्रैप डोर लगा देते हैं, वैसे तो फिर भी बंदा गिर ही जाएगा। अब यहाँ पे हमने ना थोड़ी सी शेल्फ का यूज करना है थोड़ा डेकोरेशन के लिए। शेल्फ के ऊपर आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी मॉब का हेड या फिर फ्लावर पॉट। तो यहाँ पे ना एक डाइनिंग टेबल बनाना चाहिए। तो डाइनिंग टेबल के लिए ना आपने ऐसे स्लैब का यूज करना है, क्योंकि दूसरे ब्लॉक ना नीचे ऐसे चिपक रखे होंगे, स्लैब नहीं चिपके। चेयर की जगह हम यहाँ पे स्टेयर का यूज करेंगे, जिसके पीछे ना वैसे ट्रैप डोर लगा देंगे ताकि ना वो ये लंबी वाली चेयर लगे। सेम टू सेम दूसरी साइड पे भी आपको ऐसे करना है। और यहाँ पे देखो हमारा डाइनिंग टेबल बन के रेडी हो चुका है। डाइनिंग टेबल के ऊपर ना आपको ऐसे एक एंड्रॉइड के ऊपर कैंडल लगानी है, ताकि वो ना लॉन्ग वाली कैंडल लगे, पुराने जमाने में जो होती थी ना। सब कुछ पुराने जमाने का बना रहे हो तो एक पुराने जमाने की घड़ी भी बना देते हैं दादाजी के टाइम की। तो उसके लिए ना आपको ऐसे कोई भी प्लैंक के ना ऐसे तीन प्लैंक लगाने, सबसे ऊपर ना ट्रैपडोर लगा के इसके बीच में ऐसे क्लॉक लगा देनी है और साइड से ना ट्रैपडोर से बंद कर देना है। बीच में आप इसके ना बेल भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमारा जो इंटीरियर वर्क पूरा हो चुका है, बस थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे कारपेट लगा देंगे और साइड्स पे ना थोड़ी लाइटनिंग के लिए लगा देंगे। लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में ना हम इसको और भी ज्यादा डिटेलिंग करेंगे और साथ में ना इसका बेडरूम भी बनाना है ऊपर वाले फ्लोर पे। तो क्या आपको वो वाला पार्ट देखना है? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो। क्या आप GTA 5 की वीडियोस देखना चाहते हो? नीचे कमेंट्स में बताना।